Assalamu alaikum dear students, we have completed the chapter humans and their review questions in our previous recorded lectures, and now we are going to start our new chapter, that is variation and classification. This is the first chapter of the book and it is on page number 2. So the first topic is differences. There are different subtopics of variation, and the first subtopic is differences. So basically what happens, there are different types of human beings present in this world. More than trillions of people are living in this world simultaneously, but they are physically different from each other. Although we have the same physical properties, like we have eyes, nose, we have a face, we have legs, we have limbs, but beside that हमारे जो physical features हैं वो एक दूसरे से different होते हैं. That is the reason कि हम एक दूसरे को differently able होते हैं, कि हम एक दूसरे को पहचान पाएँ. जैसे कि मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं. although हमारी दो आँखें, एक नाक, दो कान, एक चेहरा, दो हाथ, दो पैर हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज डिफरेंस, और ये डिफरेंस को हम साइंस की फॉर्म में बोलते हैं वेरिएशन. ये तो थी वो वेरिएशन जो हमें नज़र आ रही है कि हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं. दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड हिडन वेरिएशंस. हिडन वेरिएशंस क्या होती हैं? ऑल्दो मैं और आप एक जैसे दिखते हैं, हमारे सारे फीचर्स भी एक जैसे हैं, ठीक है, देखने में हम अलग ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा ब्लड. अब अगर मुझे चोट लग जाए और मेरे हाथों से ब्लड निकला है, और आपको भी चोट लग जाए और आपके हाथों से भी ब्लड निकल रहा हो, तो हम दोनों जब अपने ब्लड को सामने रखेंगे तो वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे. रेड कलर का ब्लड होता है, उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता. लेकिन ऑल्दो ये एक जैसे लगते ज़रूर हैं, पर इसमें डिफरेंसेस हैं. वो डिफरेंसेस क्या हैं? वो डिफरेंसेस इनका ब्लड ग्रुप का डिफरेंस है, क्योंकि इनकी जो अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से वेरी करती हैं. ठीक है, इसी तरह हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं वो भी अलग होते हैं. अच्छा, इस कुछ होती हैं कंटीन्यूस वेरिएशन और कुछ होती हैं डिसकंटीन्यूस वेरिएशन. अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि देखो, जब सारी वेरिएशंस एक इंसान के अंदर मिल जाती हैं ना, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, हर इंसान दूसरे इंसान से यूनिक है. देयर आर ऑलमोस्ट 7 बिलियन पीपल जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है. उसका रीज़न ये है कि ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशंस जो होते हैं वो एक दूसरे से हमें अलग करते हैं. कुछ को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स पसंद हैं, किसी और को डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम पसंद है, किसी को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड पसंद है, कोई स्पाइसी फूड पसंद करता है, कोई नॉन स्पाइसी फूड पसंद करता है, किसी को चीज़ बहुत पसंद है, किसी को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हमारा जो कॉम्बिनेशंस होती हैं ना, जो हमारे डिफरेंट वेरिएशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो बेसिकली हमारी कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाता है. ठीक है, तो और इसी की वजह से हमने जो है वो इसको वो कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वेरिएशन को डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस वेरिएशन में. अब डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन ये होती है, जैसे कि बहुत सारी टाइप्स ऑफ वेरिएशन है, लेकिन उसमें से कुछ टाइप ऑफ वेरिएशन है जो सिर्फ एक ही टाइप की हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे ब्लड ग्रुप. अब ब्लड ग्रुप में ऐसी वेरिएशन भी हो सकती है, या तो वो ओ होगा, या ए होगा, या बी होगा, या फिर ए बी होगा. इसके अलावा कोई और पाँचवा ग्रुप नहीं है, ओ, ए, बी या फिर ए बी. इसके अलावा कोई फिफ्थ ग्रुप नहीं है जो ब्लड ग्रुप में आ सके. तो इस तरह की वेरिएशन को हम डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन कहते हैं. इसी तरह हमारा आई कलर है. आई कलर भी कुछ स्पेसिफिक आई कलर्स ही होते हैं. ठीक है, जैसे किसी का हेजल होता है, किसी का ब्राउन होता है, कुछ तो किसी का ब्लैक होता है, तो कुछ स्पेसिफिक आई कलर होते हैं. ऐसा नहीं होगा कि किसी की पर्पल कलर की आईज़ हो जाएं, या किसी की रेड कलर की आईज़ हो जाएं, ऐसा नहीं होता. या तो हेजल होगा, या ब्राउन होगा, ग्रे होगी, ब्लैक होगी, कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं जो आईज़ में होते हैं नेचुरली. इसी तरह हेयर कलर्स भी होते हैं. तो ये टाइप्स ऑफ वेरिएशन जिनमें एक हमें पता होता है कि इससे ज़्यादा या इस लिमिटेड वेरिएशन, इस लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन. इसके बाद आती है कंटीन्यूअस वेरिएशन. कंटीन्यूअस वेरिएशन वो होती है, जैसे लिप्स के हमारे शेप
डिफरेंट होते हैं, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। आइज़ का शेप डिफरेंट होता है, किसी भी टाइप का होता है। किसी की नोज़ लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की मोटी होती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ये कंटिन्यूस वेरिएशन है। किसी की हेयर्स की लेंथ है वो शॉर्ट है, किसी की हेयर्स की लेंथ लॉन्ग है, तो वो ये सब चीज़ें अच्छा ये वेरिएशन डिपेंड करती हैं एरियाज़ के ऊपर भी। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ सब लोगों के आई कलर्स ग्रे कलर के होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ सबके जो हेयर कलर्स होते हैं ब्लॉन्ड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है एरियाज़ के ऊपर कि किस एरिया के लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो उनका आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यूनिक डिफरेंसेस भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप है, अब मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, तो मेरे जैसे बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अगर मेरी आइज़ का कलर हेज़ल है या ब्राउन है, तो मेरी जैसी बहुत सारी आइज़ के कलर वाले लोग होंगे, कंटीन्यूअस वेरिएशन हो या डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन हो, बहुत सारे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे ही होते हैं, यूनिकली वो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट जो है, जिसको बायोमेट्रिक्स भी कहा जाता है, तो ये फिंगरप्रिंट अगर मेरी है तो मेरी जैसी इस दुनिया में किसी की भी नहीं है, ना थी और ना होगी। यानी आज तक जब तक दुनिया बनी है, इसमें जितने भी लोग आए हैं, उन सब की फिंगरप्रिंट या उन सब के बायोमेट्रिक्स एक दूसरे से हमेशा अलग ही रहे हैं। हर इंसान का एक यूनिक बायोमेट्रिक होता है, डिफरेंट टाइप का। इसके अलावा हमारा जो डीएनए होता है वो भी बिल्कुल यूनिक होता है। मेरा डीएनए सिर्फ मेरे जैसा ही हो सकता है और किसी के जैसा नहीं हो सकता, ना मेरी फैमिली में। कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ चीज़ें हम उनमें से इनहेरिट ज़रूर करते हैं अपनी फैमिली से। ये ज़रूर हो सकता है कि मेरा और मेरे फादर का डीएनए ऑलमोस्ट एक जैसा हो, लेकिन 100% एक जैसा नहीं हो सकता। और हमारा जो ये डीएनए है, यही डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी, हमारा फेस, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारा फेस कलर कैसा होगा, हमारा आई कलर कैसा होगा, हमारे फेस के फीचर्स कैसे होंगे, हमारी बॉडी के फीचर्स कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे डीएनए में ही डिफाइन हुई हुई होती है। और इसकी बाकायदा कोडिंग होती है, ये कोड्स की फॉर्म में हमारे ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद होता है। डीएनए पूरा एक कोड होता है जिसको डीकोड किया जाता है, और आप इंसान की पूरी जो उसके फिज़िकल फीचर्स और केमिकल फीचर्स सारे के सारे आप इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें होता है हमारा इनहेरिटेड फीचर्स। वेरिएशंस की ना डिफरेंट कॉजेज होती हैं, कि ये जो हमारे अंदर डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं, इसकी कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। कुछ होते हैं इनहेरिटेड फीचर, कुछ होते हैं जेनेटिक्स की वजह से, कुछ होते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर सारे लोग रहते हैं, कोई एरिया है जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक फिक्स है कि लोगों की हाइट जो है वो जो फीमेल्स हैं उनकी हाइट 4 feet लाइक 4'9" से लेकर 5'8" 5'7" तक होती है, ठीक है। ये एक इनहेरिटेड है, या यहाँ पे एक स्किन का कलर सबको पता है कि इसी तरह का होता है, या यहाँ पर आइज़ का कलर यूजुअली ब्लैक या फिर ब्राउन होता है, हेयर कलर्स जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम डिफरेंट एरियाज़ में चले जाएँ, अफ्रीका में चले जाएँ, तो वहाँ पर स्किन टाइप बिल्कुल अलग है, हेयर टाइप्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसी तरह और दूसरे एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में चले जाएं या यूरोप वाली साइड में चले जाएं, तो उनके हेयर कलर्स बिल्कुल अलग होते हैं, ब्लॉन्ड कलर के होते हैं वो। तो वो एरियाज़ के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर भी हमारी वेरिएशन डिपेंड करती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इनहेरिट करते हैं अपनी फैमिली से। जैसे कि अगर मेरी आई का कलर हेज़ल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरी जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो मेरी फैमिली एक्सटेंड फैमिली करेगी मेरी, या मेरे बच्चे होंगे, तो उनकी आइज़ का कलर भी मुझसे वो इनहेरिट करेंगे और उनका कलर भी हेज़ल होगा, आई कलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर का हेयर कलर अगर डार्क ब्राउन है, तो मेरा हेयर कलर भी डार्क ब्राउन होगा, क्योंकि मैंने अपने फादर से इनहेरिट किया है। तो ये चीज़ें हमारी डीएनए में इनहेरिट होकर आती हैं।
जैसे कि अब अगर मैं बुक की एग्जांपल की बात करूं तो रेशल जो है, रेशल के दो ओल्डर सिस्टर्स हैं, और लेकिन तीनों जो गर्ल्स हैं, रेशल और उसकी दोनों सिस्टर्स, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी फैमिली से इनहेरिट की हैं। अब इसमें डिफरेंस ऑफ वेरिएशन है, एक तो ये कि कुछ चीज़ें चेंज होंगी और कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जैसे कि अगर जब रेशल पैदा हुई तो उसका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव था, तो वो सारी ज़िंदगी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आई कलर जो है वो ब्लैक था, तो वो सारी ज़िंदगी ब्लैक ही रहेगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, जैसे कि हेयर टाइप थी, हेयर टाइप जब रेशल पैदा हुई थी तब उसके हेयर टाइप बहुत कर्ली थे, बहुत कर्ली हेयर थे, बाद में स्ट्रेट हो गए। इसी तरह हाइट हमारी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं, तो ये जो हमारा बॉडी मास जो है ना फाइनल, ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं कि हम इनहेरिट भी करते हैं फीचर। इसके बाद कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे जेनेटिक्स पे, जो हम अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं, और हमारा जो है वो इसको बोलते हैं, इस चीज़ को जो हम बोल रहे होते हैं ना, इसको जेनेटिक और इनहेरिटेड फीचर्स बोलते हैं। और बाकी चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये तो हम इन्वायरमेंट से भी ले रहे होते हैं।